मीरास टूर्नामेंट जीतने से बनती है, ये वो जुमला है जो कि साबिक इंडियन ओपनर गौतम गंभीर का है बाबर आजम के लिए। बहुत सारी बातों पर इख्तलाफात हम कर सकते हैं गौतम गंभीर की, जो कि वो पाकिस्तान से रिलेटेड या पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड जो है वो करते हैं, लेकिन इस बात पर 100% जो है वो इत्तफाक करते हैं गौतम गंभीर से, जो कि उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड कही है। अब वो कहते हैं कि मीरास आपकी आपका नाम जो है वो टूर्नामेंट जीतने से बनता है, ना कि इंफरादी रिकॉर्ड से। उसकी साफ वजह यह है कि अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो बाबर आजम इस वक्त दुनिया क्रिकेट के ODI में नंबर 1 है, वर्ल्ड कप भी नंबर 1 जो है वो ODI का चल रहा है, लेकिन बाबर आजम की वहाँ परफॉर्मेंस सिफर है। एक मैच पे परफॉर्म किया है लेकिन उस मैच में भी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम हारी है। उसके ऊपर गौतम गंभीर साहब ने उन्हें कहा, मशवरा दिया है कि मीरास टूर्नामेंट जीतने से बनती है, मीरास इनफरादी रिकॉर्ड से नहीं बनती। आप चाहे नंबर 1 क्या नंबर 1 से भी ऊपर के चले जाएं, लेकिन अगर आप टूर्नामेंट नहीं जितवाएंगे, लेकिन अगर आप मैच नहीं जितवाएंगे, आपकी इनिंग आपकी कारकर्दगी मैच के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तो आपकी रैंकिंग आपकी बैटिंग आपके रन्स आपकी विकटें किसी काम की नहीं है। बिल्कुल बजा फरमाया है बाबर आजम, जो कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में नंबर 1 तो है, लेकिन उनकी कितनी इनिंग्स मैच के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, कितनी इनिंग्स से पाकिस्तान मैच जो है वो जीतता है, उंगलियों पर आप 2 या 3 मैच गिनवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो गौतम गंभीर ने इंडियन मीडिया के सामने बातचीत करते हुए कहा है कि आपकी जो अप्रोच है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो माइंड सेट है और आपका जो गेम प्लान है, ये मैच के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। आपकी इंफरादी इनिंग्स इसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट नहीं डालती, अगर आपने मैच के हिसाब से या मैच इनिंग्स के हिसाब से या मैच के हिसाब से नहीं खेला। कुछ उन्होंने मिसालें दी आफरीदी की, साबिक कप्तान जो हमारे खिलाड़ी थे ओपनर इमरान नज़ीर की और सईद अनवर की। उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान के पास ऐसे ओपनर थे जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, उस दौर में भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते जब दुनिया इस बारे में सोच रही थी। आज जब दुनिया अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है तो हम डिफेंसिव अप्रोच में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि आपके टॉप 3 जो बैटर्स हैं, तीनों की जो सोच है, जो अप्रोच है, वो डिफेंसिव है। तो अगर आप ऐसे ही खेलते रहेंगे तो फिर आपके वो दूसरे खिलाड़ी जो हावी जाएंगे और आप जो है वो मैच के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। कुछ और मिसालें भी उन्होंने इसको थोड़ा सा एलिब्रेट किया, थोड़ा सा उन्होंने मजीद समझाया। उन्होंने बताया कि 1992 में वसीम अकरम ने 5 विकेटें नहीं ली थी, वसीम अकरम ने सिर्फ 3 विकेट ली थी, लेकिन वो मैच के ऊपर इम्पैक्ट थी, वो मैच के ऊपर जो है वो उसका असर आया था, वो मैच उस उन 3 विकेटों की वजह से पाकिस्तान के लिए जीतना आसान हुआ था। फिर तो उन्होंने एक और मिसाल दी, 2011 में आपको याद होगा कि भारत जो है वो वर्ल्ड कप जीता था, उसी फाइनल में महेंद्र जयवर्धने ने सेंचुरी बनाई थी। किसी को याद है? शायद बहुत सारे लोगों को याद ना हो। उस सेंचुरी की आज तक कोई बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि उस सेंचुरी ने मैच के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाला। दूसरी तरफ भारत ने जो है वो टीम कहते हैं ना कि सबने छोटी 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 कारकर्दगी दिखाई, ये टीम के लिए दिखाई और वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गया। और आज तक याद रखा जाता है कि भारत 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल जीता हुआ है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीता हुआ है। आज तक शायद बहुत सारे कम लोगों को याद होगा कि जयवर्धने की उसमें सेंचुरी थी। तो इससे साबित होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो बैटिंग है, आपकी जो बॉलिंग है, वो मैच के अकॉर्डिंग नहीं है, मैच के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रही, तो आपके रन्स आपकी विकटें बेकार हैं, आपके रन्स आपकी विकटें आपके खिलाफ जा रही है, वो आपको मैच हरवा रही है, वो आपको शिकस्त दिलवा रही है। तो बाबर आजम को फिर उन्होंने एक दफा याद कराया कि मीरास टूर्नामेंट जीतने से बनती है, इनफरादी रिकॉर्ड बनाने से नहीं। तो बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 है, अप्रोच चेंज करें, डिफेंसिव से जो है वो एग्रेसिव हो, थोड़ा सा जो है वो थोड़े से फैसले ऐसे लें कि पता चले वो कप्तान फैसले ले रहा है। उम्मीद रखते हैं कि बाबर आजम शायद उनकी ये बात सुनेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे ताकि पाकिस्तान को बड़े टूर्नामेंट्स में इससे फायदा हासिल हो सके।